It is a well-known fact that atom is the smallest particle of any material. An atom is made up of mainly two parts. Number one, positively charged nucleus, and number second, electrons around the nucleus. What is the arrangement of electron around the nucleus? This arrangement is called electronic configuration. Friends, I am chemistry guru Vishnu, and today I am going to discuss about configuration in detail. So let's start. Atom, two part nucleus and empty space around nucleus. Nucleus ke andar kya hota hai? Proton aur neutron hote hain. Nucleus contains proton and neutrons. Aapko teen particles pe mainly focus karna hai chemistry mein. Atom ke andar ke proton, neutron aur electron. Although there are so many subatomic particles, but in chemistry we have to focus only in three particles: proton, neutron and electron. As far as proton and neutrons are concerned, these are always present inside the nucleus, and study of nucleus is nowadays a part of physics, not of chemistry. So as far as chemistry is concerned, we have to mainly deal with electrons. फिलहाल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एम्प्टी स्पेस जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको आप मत भूलिएगा. विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री. यानी कि ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पॉइंट है. केमिस्ट्री में कोई भी वर्किंग करते हैं तो जो इनिशिएट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं. श्री गणेशाय नमः, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं. ये ए है केमिस्ट्री का. दिस इज सिंपली ए ऑफ केमिस्ट्री, स्टार्टिंग है ये. अच्छा, दो मेथड इसके लिए है. बोरबरी स्कीम है, क्लासिकल मेथड है. आई लिंक पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक करोगे तो आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा जो काफ़ी ठीक ठीक डिटेल में है. और दूसरा आपका अफबाउ प्रिंसिपल है जो मॉडर्न मेथड है. अफबाउ के बारे में एक बात मैं बता दूं, इट इज़ अ जर्मन वर्ड. ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, नॉट एनी नेम, ठीक है. और इसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना. किस चीज़ को बनाना, किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इसको कंस्ट्रक्ट करना हमको अफबाउ प्रिंसिपल में सिखाया जाता है. एक एक करके धीरे धीरे इत्मीनान से ही डिटेल सीखिए. इतना सीखिए कम से कम आप अपने टीचर्स को सिखा सकें, क्योंकि टीचर्स को शायद ये लगता है कि ये टॉपिक कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप गौर करना, जब जब आपके स्कूल्स में कोचिंग्स में पढ़ाया जाए तो गौर करना कि इस पर कितना वक्त दिया गया है. इस पर दिया गया वक्त डिपेंड करता है कि टीचर केमिस्ट्री के लिए कितना सीरियस है. अभी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो सबसे बड़ी यूनिट है वो शेल है. शेल के अंदर, शेल कंटेन्स सब शेल्स, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन. सो ये हमारा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है. सबसे बड़ी यूनिट इलेक्ट्रॉन के लिए शेल होती है, फिर सब शेल होता है, फिर ऑर्बिटल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है. शेल जो होता है के एल एम एन एंड सो ऑन. और इसके लिए हमें पहले से पता है 2n स्क्वायर रूल लगता है, जहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है. ऑन दिस बेसिस वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स. द वैल्यू इज 2, 8, 18, 32. दीज वैल्यूज आर रिलेटेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी गिवन शेल. 1, 2, 3, 4 आप 2n स्क्वायर में n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको थर्ड शेल के लिए चाहिए तो आपने 2n स्क्वायर रूल लगाया, 2 इंटू 3 स्क्वायर लगाया, ये वैल्यू आपको 18 मिल गई.
तो ये आपका शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल चार होते हैं, एस पी डी एंड एफ। एस पी डी एंड एफ, देखिए ये वीडियो 11, 12th एंड सो ऑन, जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, जब से 11th में पहुंच के एंड सो ऑन, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका तो काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। एस पी डी एफ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद कर लीजिए 2, 6, 10, 14, और वो क्यों होते हैं आप सबशेल के सिंबल से समझ जाएंगे। ये देखिए पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल के अंदर 5 होते हैं और एफ के अंदर 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जब आप इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दोगे, सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसमें आप भरोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें आप भरोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें आप भरोगे 1, 2। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है एस पी डी एफ की। ऑर्बिटल्स भी यही 4 तरह के होते हैं एस पी डी एफ, और उनके सिंबल भी यही होते हैं, सबके सिंबल एक स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने की। देखिए 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हो, ठीक है। तो 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी एफ, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, एक क्लॉकवाइज, जो ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है वो क्लॉकवाइज और नीचे की तरफ दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका ऑर्बिटल्स के बारे में हो गया। ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सबशेल। सबशेल कितने तरह के होते हैं आपको क्लियर दिख रहा है, 4 तरह के होते हैं एस पी डी एफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14। क्यों होता है ये आप इन डायग्राम से समझ सकते हो। और ये शेल हो गया के एल एम एन एंड सो ऑन, इसमें 2n स्क्वायर रूल के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आवभाव कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चार्ट है जो आप स्कूल में सीखते हो, एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ। एस एक बार लिखो, फिर एस पी लिखो, फिर एस पी डी लिखो, फिर एस पी डी एफ लिखो, मतलब एक एक बढ़ते चले जाओ। एफ के बाद फिर आप रिपीट कर दो, फिर आप कम कर दो एस पी डी, फिर आप थोड़ा और कम कर दो एस पी। तो ये आपको इतने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद पहले में 1 लगा दो, दूसरे में सब में 2 लगा दो, तीसरे में सब में 3 लगा दो, चौथे में 4 लगा दो, 5 लगा दो, 6 और 7। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको सबको सर्किल के अंदर रख दो। देखिए ये इसको बनाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, खेल जैसा समझिए, इसको खेल जैसा खेलिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको नहीं समझ में आया फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिए, वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है। ये आप इस तरीके से आपने गोले बना लिए। अब इसके बाद इसको डायगनली आप कट करते हुए इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे करके आप इसको बना लेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे करके आराम से बना लेंगे, और इसी से आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिलअप होते हैं, कहाँ से कहाँ तक फिलअप होते हैं, ये आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। इस ऑर्डर में फिलअप होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और यहाँ से आप एंड करते हो। ये वो तरीका है जो दुनिया जहान के हर बुक्स में दिया होता है, मैंने खुद भी ऐसे ही सीखा था, लेकिन ये मैं अपने तरीके से इसको आपको भरना बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए इसके बाद अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तो इसमें हमारा करना क्या होता है हमको, कि जैसे हमको इधर से स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट किया डायगनली कट करते हुए आए, हमको पहला 1s मिला, 1s हमने लिख लिया। जैसे ही ये टेल है, ये हेड है, जैसे ही हम हेड पर पहुंचेंगे, हेड पर पहुंचने के बाद खट से हम नीचे आ जाएंगे,
फिर हम टेल टू हेड खट से नीचे, टेल टू हेड खट से नीचे, जैसे ही नीचे आएंगे तो टेल से काउंट करना शुरू करेंगे, हेड तक जाएंगे, जैसे हेड पर आएंगे फिर नीचे चले जाएंगे, फिर टेल टू हेड आएंगे। ऐसे आप देख सकते हो कि आपको एक ऑर्डर मिलेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5s देखिए 5x आता है, फिर 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, फिर उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p। तो इस तरीके से हमको एक ये ऑर्डर आराम से मिल जाएगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को भरना आराम से बना सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और आप तेज़ी से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एस लिखा, एस पी लिखा, एस पी डी लिखा, एस पी डी एफ लिखा, एस पी डी एफ लिखा, एस पी डी लिखा, एस पी लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको कट करिएगा डायगनली, कट करिएगा इसको डायगनली कट करिएगा, और ये इक्विडिस्टेंट रखिएगा, जो डिस्टेंस इधर रखिएगा वही डिस्टेंस इधर रखिएगा, बड़े आराम से आपको ये डायग्राम मिलेगा। ठीक है, इसमें मेरा भी एक अपना मेथड है, क्योंकि ये ऑर्डर हमें याद रखना ज़रूरी है। तो जो मेरा जो तरीका है, देखिए एस एस पी एस पी एस, एक बार सिखाऊंगा बस, ऐसे लिख लिया हमने एस एस पी एस पी एस, एस पे अंडरलाइन, एस पी पे अंडरलाइन, एस पी पे अंडरलाइन, एस पे अंडरलाइन, 1, 2, 3, 4। उसके बाद डी पी एस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर डी पी एस एफ, डी पी एस एफ, फिर डी पी एस एफ, और फिर डी पी। ठीक है, तो डी पी एस, डी पी एस को भी आप डी पी एस कर दीजिए, एक डी पी एस, फिर डी पी एस एफ, फिर डी पी एस एफ, फिर डी पी एस। उसके बाद एफ जो है, एफ में दो होते हैं, एक फोर होता है और एक फाइव होता है, एफ में फोर होता है और फाइव होता है, और यहाँ पर आप थ्री लगा दीजिए, फिर थ्री डी के बाद 4d, फिर 5d, फिर 6d। अब आप क्या करोगे, इसके बाद सीक्वेंस जाएगा, 3 के बाद 4, 5, 4 के बाद 5, 6, 5 के बाद 6, 7, 6 के बाद, 6 के बाद 7, 8। ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। आप इस तरीके से बनाओगे तो गड़बड़ हो सकता है, इस तरीके से गड़बड़ नहीं हो सकता है। हाँ, इस तरीके से बनाना सरल है, लेकिन फिर भी हमें कुछ याद करना पड़ता है। इस तरह का बनाना भी सरल है, लेकिन इसमें भी हमें कुछ याद करना पड़ता है। मैं एक बार और आपको तेज़ी से समझा देता हूँ, ताकि आपको एक ऑर्डर वाली बात समझ में आ जाए। देखिए, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आपका समय बचेगा, आपका समय बचेगा, आपको तैयारी में, अभी समय क्या करा रहा हूँ, मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, तैयारी है हमारी प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग यंत्र या यंत्रा, इसको मैं लिखता हूँ LY, उसको बनाने का मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद आप अपने पेपर में 5 to 10 मिनट्स हर एग्ज़ाम में आपके बचने वाले हैं। एक बार सीख लो, एक बार सीखने में आपको मान लीजिए आधे घंटे लगता है, तो फिर आपको हर एग्ज़ाम में जो 3 घंटे का कोई भी पेपर होगा तो आपको लगभग 10 मिनट्स आपको उसमें बच जाएंगे। आप इसको देखोगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आप देखिए, मैंने बताया आपको एस एस पी, बहुत समय नहीं लगता है, एस पी एस, फिर डी पी एस, एक बार इनको अंडरलाइन करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, फिर आपका डी पी एस एफ, फिर आपका डी पी एस एफ, फिर आपका डी पी एस। ठीक है, यहाँ पर 1, फिर इनमें दोनों में 2, 2, फिर इनमें 3, 3, ठीक है, फिर इसमें 4,
फिर आप उसके बाद F पे पहले लिखना, F पे क्या लिखोगे, 4F लिखोगे और 5F लिखोगे। अब क्या करोगे, अब D वाले पकड़ लेना, 3D 4D 5D 6D, और उसके बाद क्या करना, सीक्वेंस से भरते चले जाना, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8। 8 की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप हटा देना और आपके पास ये एक पूरा कंप्लीट ऑर्डर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप लर्निंग यंत्र बना सकते हो। ध्यान से आप सीखिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, वीडियो रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए ये दो चीज़ें जो है लिखी हैं, ये याद दिला देता हूँ, CG का मतलब केमिस्ट्री गुरु और V का मतलब विष्णु और LY का मतलब है लर्निंग यंत्र। लाई नेवर टेल्स अ लाई, लाई कभी झूठ नहीं बोलता है। इसको आपको याद करना है, मेमोराइज़ करना है। ये मैंने आपको अभी ऑर्डर लिखना सिखाया था 7P तक, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी नोन हैं सबके सभी एटम के कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो। उसके नीचे आपको करना क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़िनॉन, रेडॉन, इनर्ट गैसेस हैं, उम्मीद है आपको याद होगा। ये सीक्वेंस है, आपको याद कर लेना है। हीलियम को 1s के नीचे रखना है और उसके बाद जितने भी p आएंगे सारे p पे आप गौर करना, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके एटॉमिक नंबर भी याद कर लेना है, 2 10 18 36 54 और 86। ये आपका लर्निंग यंत्र है। अब जो इसको तैयार कर लेगा, इसको लिखने में 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। आप अपने हर पेपर में उसके बाद 8 से 10 मिनट आपके हुए, ये मेरी गारंटी है। अब वो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, ये जो आप देख रहे हो 1s 2s 2p, ये इनकी सबशेल्स हैं, दीज आर सबशेल्स। यहाँ पर 1s सबशेल है, 2p भी सबशेल है, 4s भी सबशेल, जितने लिखे हैं ये सारे के सारे सबशेल्स हैं। कितने लिखे हैं सबशेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देर आर टोटल 19 सबशेल्स। तो अब इनमें ये इनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमें याद रखना पड़ता है। उसको याद रखने का तरीका एक बुक में दिया गया, एक मैंने आपको माई मेथड नाम से अपना मेथड बताया। तो इसमें तरीका बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जब पहला सबसे कम एनर्जी वाले में भरेंगे 1s में भरेंगे, इसमें 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, जब ये पूरा भर जाएगा तो 2s में भरेंगे, इसमें भी 2 भर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि s 2p 6d 10 f 14, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतने भर सकते हैं आप। तो भरते चले जाओ जितने भरने हैं, और आखिरी वाला जो है हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो और बाकी तो सारे भर जाएंगे, लास्ट को छोड़ के बाकी सारे भर जाएंगे। लास्ट वाला तब भरेगा जब कोई इनर्ट गैस होगा, इनके भर जाते हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, उनकी एनर्जी के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटर करता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों की क्लासेज हैं, एक क्लास के बाद थोड़ा आप बेहतर हो जाते हो, दूसरी क्लास में आ जाते हो, फिर तीसरी में आ जाते हो, तो इसे इनका भी एनर्जी लेवल का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब वो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन n+l रूल या मेडलंग रूल भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसका नाम बोर बरी रूल भी इसको कहा जाता है, बोर बरी रूल, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, n+l रूल पे बेस्ड है। और n+l रूल क्या कहता है कि एनर्जी जो सबशेल की होती है वो डायरेक्टली होती है वैल्यू ऑफ n+l के, और दूसरा है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ n+l ई सबशेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n। तो अब हम आपको इसको पहले समझाते हैं n+l रूल के बारे में, कोई बहुत मुश्किल नहीं है चीज़। देखिए जैसे मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैंने 1s ले लिया, 2s ले लिया, मतलब यही ऑर्डर क्यों लिखा गया है, 2p ले लिया, 3s ले लिया, 3p ले लिया, 4s ले लिया, 3d ले लिया, ठीक है। और s p d f, इसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 होती है, ठीक है ना। l जो होता है, n जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF के जो पहले लिखा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और SPDF के लिए L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब जैसे हमने यहाँ पर N प्लस L की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 1 प्लस 0 किया, 1 से 1 ले लिया, S से 0 ले लिया, S के लिए देखिए 0 होता है, तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 हुआ, ये 2 प्लस 0 हो गया 2 हुआ, ये 2 प्लस 1 हो गया 2, ये उतार लिया N हो गया, L क्या हो गया P के लिए, L की वैल्यू देखिए 1 होती है, तो ये कितनी वैल्यू आई, 3 आई। अब आप देखिए 1 से बड़ा है 2, तो इसके 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है। फिर 2s से 2p, 2 से 3 बड़ा होता है, तो 2p की एनर्जी, जिसका n प्लस l बड़ा होगा उसकी एनर्जी बड़ी होगी, ये एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे कम एनर्जी 1s की है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू n प्लस l की 1 है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, तो इसमें क्या हुआ, 3 प्लस 0 ये कितना हुआ 3, इसमें क्या हुआ 3 प्लस 1 क्या हुआ 4, 3 और 4 में भैया, अब देखो यहाँ पर इस जगह पर आप रूल लगा लीजिए कि यहाँ पर क्या, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये सेम वैल्यू आ गई, तो आप सेकंड रूल लगाइए, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, n प्लस l की वैल्यू अगर सेम होगी तो एनर्जी जो सबशेल की होगी वो n की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब ये वैल्यू सेम आ गई है तब आप n की वैल्यू देखो किसकी ज़्यादा है, 2p और 3s में 3 की वैल्यू ज़्यादा है, n की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिर आपने 3, 1, 4 किया, फिर 4 प्लस 0 किया तो 4 हुआ, फिर 3 प्लस 2 किया तो 5 हुआ। तो अब अगर हम 3 के बाद 4 है, 3 से बड़ा 4 है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी। उसके बाद 4 के बाद फिर 4 आया, अब 4, 4 दोनों बराबर, देखिए दोनों बराबर, अगर n की n प्लस l की वैल्यू सेम होगी तो हमको क्या करना है, n की वैल्यू के बेसिस पर निकालना है। अब n की वैल्यू ज़्यादा इसकी है 4, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और लास्ट वाले में तो n प्लस l की वैल्यू ही ज़्यादा है। तो ये हमारा n प्लस l रूल होता है, इसके बेसिस पर चलकर हम आराम से निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यही ऑर्डर क्यों आता है। ठीक है, तो n प्लस l रूल पे बेस्ड है ये, तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी, n प्लस l रूल भी बता दिया। अब हमको सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन वाले हिस्से को हम डिवाइड, देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे अफसोस होता है, मैं कानपुर में यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है कानपुर, और लखनऊ के नज़दीक है, और वहाँ पर श्यामनगर एक एरिया है, तो उसी में मैं रहता हूँ और मैं अपनी कोचिंग चलाता हूँ फ्रॉम 1989, ठीक है ना। तो ये, और यहीं पर मैं पढ़ाता हूँ, मैं किसी स्कूल के साथ कहीं पे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो मैं ये जो वीडियोस जो बनाता हूँ, मेरा मकसद ये है कि बच्चे केमिस्ट्री को उस तरीके से सीखे कि उनसे उनका करियर भी बने, उनके मार्क्स भी मिले, और वो नेचर को एक्सप्लोर भी करें। मेरा एक ही मकसद नहीं है कि बस रुपया कमाना और कमा के चले जाना, ना, मेरा है कि हम रुपया भी कमाएंगे और मज़े भी लेंगे और नेचर को एक्सप्लोर भी करेंगे। अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो भैया अभी तक देखो सब्सक्राइब नहीं किया, हर बार आते हो वीडियो देख जाते हो, सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद लाल वाली बटन भी प्रेस कर दो, आपको जो है सारा का सारा जितने भी मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा सारे आपको मिलते रहेंगे। तो अब हमको सीखना है इससे कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने वाली चीज़ को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, एक हमारा है नॉन एक्सेप्शनल केसेस, कि भैया इसमें बिल्कुल रूल एकदम खटाक से लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे एक्सेप्शंस फ्रॉम डी ब्लॉक, लगभग 10 एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल केसेस शो करते हैं, और एक्सेप्शंस फ्रॉम एफ ब्लॉक, ये भी आप लगभग, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कोई नंबर इतना ज़रूरी नहीं है,
और करीब करीब 20 के करीब हमारे एक्सेप्शंस हैं। इनमें क्या होता है कि रूल पूरी तरह से नहीं लगता है। नॉन एक्सेप्शनल केसेस पे हम लोग पहले काम कर लेते हैं। हम बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी बड़ा बड़े से बड़ा हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको दिया नाइट्रोजन एटॉमिक, ऐसे लिखा करो, देखने में अच्छा लगता है। N लिखा ब्रैकेट में या 7 लिखा, दो बिंदी लगाई और फिर इसके आगे कॉन्फ़िगरेशन में यही हमको 1s, 2s, 2p हमको लिखने हैं। कॉमा मत लगाओ, कॉमा लगाओगे तो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। अब हमने क्या किया, 1s लिखा। हमने कहा भैया एस में मैक्सिमम दो रहते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p चार हो गए, तीन बचे, तीन रख दिए। बोला p में तो 6 होते हैं, तो 6 होते हैं मैक्सिमम, 6 होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम कितने भी नहीं हो सकते, जीरो भी हो सकते, है ना। तो आप भरते चले जाओ और लास्ट वाले में जितने बचे कुचे हों डाल दो। जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या कहते हैं सोडियम। अब थोड़ा मॉडर्न तरीके से सीखो, पहले आप ऐसे जनरल सीखो। तो हमने क्या किया, 1s2, 2s2, 2p6 भरते चले जा रहे। 1s लिखा, 2s लिखा, 2p लिखा, ये आपको याद करना है। लिखने का तरीका बताया, इसको याद कर लिया, कॉपी पे लिख लिया, फिर इसी को देख देख के कॉन्फ़िगरेशन किया। बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, 2p6 किया तो 2, 2, 4, 10, और 10 के बाद क्या हुआ, 3s1। अब मॉडर्न ज़माने में ये घिसा पिटा तरीका मत यूज़ करो, मॉडर्न ज़माने का तरीका यूज़ करो। तो मॉडर्न ज़माने का तरीका कहता है कि इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करो। इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, जो नंबर हमें एटॉमिक नंबर है, 11 इज़ द एटॉमिक नंबर, 11 से जो नज़दीकी और 11 से जो कम वाला नंबर हो, तो 11 से कम वाला नंबर 10 है, तो उसकी आप कोर बना लेंगे, निकिल, नियॉन। एनी लिखा, यहाँ पर 10 लिखा। 10 के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3s, तो 10 और 1 11 हो गए। इतने जो काम इससे हो रहा वही काम इससे हो रहा, ये थोड़ा सुंदर लग रहा देखने में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 40, जो भी एटम हो 40 का हमको निकालना, 40 का, ठीक है। तो हमने कहा 40 के नज़दीकी पहुँचे, 40 से कम वाली वैल्यू में पहुँचे, 36 मिला, 36 हमको मिला क्रिप्टन, क्रिप्टन इसको हमको लिखना था, तो हमने लिखा क्रिप्टन और यहाँ लिख दिया 36, क्रिप्टन 36। उसके बाद क्या किया, 5s में कितने हुए, 2 हुए, 36 और 2 हो गए 38, बचे कितने, 2। अब इसके बाद वाला जो 4d है उसमें 2 भर दिया, तो पता चल गया हमको। अच्छा, लास्ट में जो आता है सबशेल, उससे उसका ब्लॉक डिसाइड हो जाता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है। तो वो ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है, यही कॉन्फ़िगरेशन निकाल के। आप कॉन्फ़िगरेशन निकाला, जैसे आपने निकाला इसमें लास्ट में क्या आया, पी आया, तो इसका मतलब है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और लास्ट में एस आया तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट में डी आया, जैसे डी आया तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो आपने 40 का निकाल लिया, मान लो हमको 80 का निकालना होता, 80 का, अब 80 का निकालना है तो अब 80 से कम वाले पे आए, 80 से कम वाला क्या है, 54 है, ऐसे लिख लिया XE 54। उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ो, उसके बाद देखो 6S है, फिर 4F है, फिर 5D है, देख लेते हैं पहले भर के। तो हमारा क्या हुआ कि 6S में कितने हुए, 2 भर दिए, 54 और 2 हो गया 56। फिर F में 14 भर के देखे, अभी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये 70 पहुँचे हम, 70 के बाद 10 यहाँ कर दिया, 80 पहुँच गए। तो ऐसे हम किसी का निकाल सकते हैं। चलिए 100 का निकाल के देखते हैं। 100 में हमको ये लेना है रेडॉन RN, 86 लिख दिया, उसके बाद 7s2, 5f14, 5f12 हो जाएगा, ठीक है ना, कि 12 और 2 14 और 14 और 86।
किसी का भी निकाल सकते हो। तो इससे आपके 80 के आसपास जो नॉन एक्सेप्शनल केसेस थे वो तो देखिए आपके आराम से निकल गए, उसमें किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सीक्वेंस में भरते चले जाना है। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए कमेंट्स पे। आप लोग बस पढ़ते हो और निकल लेते हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। आपको चाहिए कि पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। अब हम जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो हम पहले एक्सेप्शन लेते हैं डी ब्लॉक के। इसको एक बार जरा फिर से आप याद करिए, ये जो चार्ट है, क्योंकि चार्ट याद किए बिना काम नहीं बनेगा। अब जो डी ब्लॉक में है उनको, एक्सेप्शंस को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक्सेप्शंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। देखिए इतना डिटेल आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ना आपको कोचिंग्स में मिलेगा। हाँ, आप कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर कोचिंग पढ़ते हो तो वहाँ पर मिल सकता है। मेरी जो क्लासेस यहाँ पर हैं वो एकेडमिक लेवल के लिए हैं, जो कि टक्कर देती हैं कॉम्पिटिशन लेवल को। यानी कहने को एकेडमिक लेवल है, लेकिन मैं टक्कर दूंगा हमेशा कॉम्पिटिशन लेवल को, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ एकेडमिक लेवल के लिए, अभी मैं बना रहा हूँ, इस साल मैं एकेडमिक लेवल पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये एक्सेप्शंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में क्रोमियम है 24। तो चलिए करते हैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 18, 4s2, 18 220, 3d4, ठीक है। तो अभी आपको देखिए यहाँ पर एक बात याद क्या रखनी है, अभी आपको ये बात याद रखनी है, ये इसके लिए है, इस वाले के इसके लिए, कि NS2 N-1 D4 या फिर 9। अगर आपको मिल जाए NS, ठीक है ना, N का मतलब है लास्ट वाली वैल्यू, जैसे N यहाँ पर 4 है और N-1 का मतलब है उससे एक कम। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 4 है, मतलब आप ये याद रखो कि लास्ट में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को करने में लास्ट में अगर डी आ जाता है, देखिए नंबर एक एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, नंबर दो पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, डी ब्लॉक में 10 एक्सेप्शनल केस, एफ ब्लॉक में 10 एक्सेप्शनल केस, बस इतनी सी बात है। एस पी लास्ट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से निकाल लो, कोई भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक का सही निकल आएगा। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में गड़बड़ निकलेगा। डी ब्लॉक में अगर लास्ट में आपको 4 मिले या 9 मिले, मतलब कि आपको D4 मिले या D9 मिले, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कराना है, ये NS1 N-1 D5 और 10 हो जाएगा। S से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा D में जाएगा, ध्यान रखना, S से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफ़र करेगा, कब, जब डी में 4 या 9 हो, बस और किसी केस में नहीं। जब लास्ट में डी में, लास्ट में डी हो और डी 4 मिले या डी 9 मिले, तो डी के पहले वाले एस से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ऐसा हर बार पाया गया है। तो ये हमको एक तरह से इनका एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। जैसे इसका सही कॉन्फ़िगरेशन में क्या आपको करना है, ये आपको जो 4s2 दिख रहा है ये 1 कर देना है, और जो ये 4 दिख रहा है ये 5 कर देना है। ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन आ गया। जैसे अब हमें 29 का निकालना है, चलिए निकालते हैं, आराम से निकालिए, जैसे निकालते हैं 18 के बाद क्या आया, 4s है, 4s में कितना आया, 2 आया, उसके बाद 3d, 9 आया, जैसे ही डी में 9 आया कान खड़े हो गए, डी 9 आया, 9 रहेगा नहीं, यहाँ 1 रहेगा, यही एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम के जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी इस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का नतीजा क्या होगा, या तो 5 बन जाएगा या फिर वो 10 बन जाएगा। उसके बाद जैसे मॉलिब्डेनम है, ये 42, इसका करना हमको, 42 है तो 36 वाला लेते हैं हम, क्रिप्टन 36। उसके बाद क्या है, 5s2 है तो कितना हुआ, 38 हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद 4d है, 4d4। अब आपको फिर देखा आपने लास्ट में क्या मिला, D4 मिला, D4 रहेगा नहीं, D4 है तो D5 होगा, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन निकला है। यानी आफबाऊ प्रिंसिपल होता तो 5s2 4d4 होता,
लेकिन अबव प्रिंसिपल से डेविएशन शो कर रहा है, उस प्रिंसिपल को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको सही वाला लिखना है ना, ये सही वाला है। ये सही वाला ये कहाँ से मिलता है? एक्सपेरिमेंट से मिलता है। और ये वाला किससे? ये आप थ्योरी से निकाल लो, आप इस ऑर्डर में भर के निकाल लो। आपको करना क्या है? अब आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हो, आपको ये याद करने हैं। ये जितने केस 10 बने हैं, ये 10 के 10 आपको याद करने हैं। अब आप आ जाइए AG 47। तो अगर हम AG 47 में आएंगे तो आप देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। AG 47 में होगा 47 पे अगर पहुँचे तो 47 से कम 36 है, मतलब क्रिप्टन 36, 5s2, 4d9। ठीक है, फिर आपको क्या मिला? लास्ट में d9 मिला। एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, जंप मारेगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। फिर हम गोल्ड में आ गए। गोल्ड कितना है? 78 है। ये वाला इधर वाले में है, ये 5 है इसके अंदर, ध्यान रखना। ये है, ये है, ये है, ये बड़ा कीमती एग्जाम्पल है। अब हमें गोल्ड का अगर हमें करना है तो गोल्ड 79 है तो 54 से शुरू करेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमने किया 54 के बाद क्या है? 6s के बाद क्या है? 4f14 हो गए 70, और उसके बाद 5d है, 5d9 हो गया, ये हो गया हमारा 79। अब क्या होगा कि d के पहले f है, f से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, s से d में जाएगा, याद रखना s से d में जाएगा। तो s से d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10। ये देखिए सभी का आपके पास में एक्सप्लेनेशन है, सभी अपने क्या करना चाहते हैं वो मैं अभी आपको कारण बताऊंगा, लेकिन सभी में एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंगली हो रहा है। सभी में s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है d में, ठीक है। अच्छा, फिर एक मैं इसमें और ले लेता हूँ, उसको मैं बाद में बताता हूँ अभी। अब जरा इस पे आइए, इन सब में क्या होगा? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई फायदा। देखिए इसमें होता क्या है कि जब D5 हो जाता है और D10 हो जाता है तो स्टेबिलिटी मिल जाती है। D में 5 हो गए तो स्टेबल हो गया, D में 10 हो गए तो स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें क्यों ट्रांसफ़र होता है ये आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे पाया है। तो चलिए नियोबियम का करते हैं। 41 से कम पे आए, 36 मिला। क्रोमियम 36, 5s2, 38, 4d3। अब ये 41 हो गया। अब इसमें भी काम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 5s1 हो जाएगा और ये 4d4 हो जाएगा। बोला भैया 4 होने से क्या हुआ? स्टेबिलिटी भी नहीं मिली, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, कुछ मिला ही नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ नहीं मिला, इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो स्टेबिलिटी मिली, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इसको कुछ नहीं मिला। अब RU को बनाते हैं। RU हमारा बना 36, 5s2, 6 है इसके पास। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से और यहाँ पर होगा, 7 हो जाएगा। बोला इसमें क्या हुआ? बोला इसमें भी कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हुआ, होता है। इसमें निकालो 5s2 4d7। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, एक इलेक्ट्रॉन 5s1 हो जाएगा और 4d8 हो जाएगा। बोला क्यों हुआ? बोला बस होता है, काम का ही होता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। अगर d में 5 होता तो स्टेबल होता, d में 10 होता तो स्टेबल होता, लेकिन इसके अलावा कोई नंबर से स्टेबिलिटी नहीं मिलती। और एक ये जो एग्जांपल ये PD का लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा खास है, इसको भी मैं बताता हूँ, ये अपने आप में खास, इसको मैं अलग से भी बताता हूँ। अब ये प्लेटिनम पे आइए, 78 पे आइए, 78 है तो कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, 54 XE 54, उसके बाद 6s2, उसके बाद 4f14, उसके बाद 5d8।
अब क्या हुआ, इसमें बिना किसी वजह के एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। क्या हुआ, बोला कुछ हुआ नहीं, बोला स्टेबिलिटी मिली नहीं मिली, बोला फिर क्यों कून पड़े, बोला कूनेंगे। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत सभी को होती है। अब उसके बाद मैं आपको एक जो ये पैलेडियम लिया हुआ ना मैंने पीडी, तो उसके बारे में मैं एक बात आपको सिखा देता हूँ बहुत कायदे से, कि जो पैलेडियम होता है, पैलेडियम देखिए सारे एक्सेप्शनल केसेस में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, लेकिन पैलेडियम में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। पैलेडियम में क्या होता है कि इसमें टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। मकसद क्या है, टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे पैलेडियम का हमको निकालना है कॉन्फ़िगरेशन, अब हमने आए 46 से कम वाले नंबर को देखा, 36 हमको मिला, आगे बढ़े, जहाँ से मिल जाता वहाँ तक ख़त्म हो जाता, उसके आगे बढ़ा करिए, तो 5s2 38 हो गया, 38 हो गया, और 4d8 हो गया, 48 हो गया, 46 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, ठीक। इसमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ये बात आपको अलग से याद रखनी है। पैलेडियम, पैलेडियम में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम एस टू डी, क्यों होता है ये ट्रांसफ़र, तो बोला भैया इसलिए होता है टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। अब आप बताओ, आप बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, कलम घिस रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ के यहाँ लाइट नहीं आ रही हो, सकता गर्मी लग रही हो उनको, हो सकता है कूलर ना चल रहा हो सकता है किसी का एसी ना चल रहा हो, गर्मी लग रही हो, पसीना टप टप छलक रहा हो, बोला क्यों कर रहे हो मेहनत, बोला स्टेबिलिटी पाने के लिए, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, अच्छी जॉब मिले, अच्छा करियर बने। तो वैसे ही एटम भी अपने आप को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, और उसमें ये वाला रूल लगता है, देखिए हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल देन अदर वंस विच आर नीदर हाफ फिल्ड नॉर फुली फिल्ड, यानी हाफ फिल्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनसे, जैसे आप डी में देख सकते हो, देख सकते हो डी में कि जैसे हाफ भरा है, हाफ भरा है, ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो डी फाइव आया कि नहीं आया, तो क्रोमियम को एक इलेक्ट्रॉन अगर डी फाइव बना लेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ फील्ड है हमारा, डी फाइव है, इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इसी को फुली फील्ड कर दें, फुली फील्ड कर दें, ठीक है ना, D7 D10, तो आप ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबशेल्स बाकी सबशेल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। तो एक तो इसका रीज़न तो समझ में आ गया। अब अगला चीज़ हमको ये मिला कि वाई D5 एंड D10 मोर स्टेबल, भैया ये ज़्यादा क्यों स्टेबल होते हैं, तो इसके दो रीज़न हैं। पहला है ड्यू टू सिमेट्रिकल
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी आप अपनी शक्ल को देखिए, मेरी शक्ल तो थोड़ी खूंखार टाइप की है, आपकी अच्छी सी सुंदर सी शक्ल होगी। आप अपनी शक्ल को देखिए, सुंदर हो या खूंखार हो, कैसी भी हो, लेकिन एक सिमेट्री में होती है शक्ल। एक कान इधर है, एक कान इधर है, नाक है तो नाक का हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, होंठ बना हुआ है तो आधा इधर आधा इधर। पूरी बॉडी को देखिए, सिमेट्री में बनी है, एक हाथ इधर तो एक हाथ इधर। सिमेट्री जहाँ होती है वहाँ स्टेबिलिटी होती है। ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और हर तरह की साइंसेस का एक बहुत बेसिक रूल है, जो हमेशा से, शुरुआत से ही साइंटिस्ट लोग समझ गए थे। हर एक रूल को डिराइव करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर सिमेट्री होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। तो एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, भैया सब में एक 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 भरा है और सब में दो 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 भरे। दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी, दूसरे नंबर पे होता है हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो जो हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है, तो इसको, इसके लिए ऐसा होता है कि जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सचेंजेस के। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती, देखिए आपको पता है कि सिस्टम से जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी चीज़ों को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो हम D4 और D5 को कंपेयर करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपका है D4, ये देखिए ये आपका है D4, ये हमने 1 लिख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम पहले को इससे एक्सचेंज कर रहे हैं, पहले को इससे एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने ऐसे डायग्राम बुक में देखे होंगे, इसका आप मतलब समझिएगा। तो इसके रास्ते कितने हुए, 3 वेज हो गए, 3 रास्ते हो गए। ये 3 एक्सचेंज इस तरीके से 3 वेज करता है। अब हम पहले को तो एक्सचेंज हमने करके दिखा दिया, ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया कि हम दूसरे को एक्सचेंज करके दिखाना चाहते हैं। अब दूसरे और पहले के बीच तो एक्सचेंज हो चुका था, तो अब इधर तो हम जा नहीं सकते हैं। तो एक ये एक्सचेंज हुआ, एक ये एक्सचेंज हुआ, तो ये 2 वेज हो गए। उसके बाद एक, दो, तीन, चार। अब नंबर 3, क्योंकि नंबर 3 को इधर करेंगे तो ये कर चुके हैं, नंबर 2 और 3 को एक्सचेंज कर चुके हैं, नंबर 3 को 1 से एक्सचेंज कर चुके हैं। तो अगर हम नंबर 3 को अब 1 एक्सचेंज करते हैं तो 1 कर सकते हैं 4 से। तो ये तुम्हारा 1 वे, तो टोटल 3 + 2 + 1, ये हमारे 6, टोटल 6 तरीके हो सकते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस हो सकते हैं उतना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो अब मैं आपको एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको डी तक लेके चलूंगा, एफ को मैंने, देखो एस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डी में सारे एक्सेप्शन मैंने बता दिए हैं, एफ के सारे एक्सेप्शन आई लिंक में जाके आप देखिए, एक वीडियो पड़ा हुआ है पूरा, क्योंकि फिर नहीं तो 11th वालों के मतलब का नहीं रह जाएगा। 11th वालों में एफ ब्लॉक का कोई खेल नहीं है, वो 12th और आगे वाली क्लासेस के लिए है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला 11th के लिए, 12th के लिए एंड सो ऑन, सबके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए वीडियो। तो एफ ब्लॉक के लिए स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन लेवल के हैं, वो उसको जाके देख ले आई लिंक पे और डिस्क्रिप्शन पे एफ ब्लॉक के बारे में। अब मैं देखिए आपको D5 का दिखा रहा हूँ एक्सचेंजेस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब आप देखिए ये यहाँ पर आएगा, पहले से एक्सचेंज हम करके दिखा रहे हैं, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ आ सकता है। तो 4 रास्ते हो गए।
ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है और ये यहाँ हो सकता है। तीन ये हो गए। ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। एक दो तीन, ज्यादा बना दिया। देखिए पांच ही तो बनाने हैं, तो ये दो रास्ते हो गए। और एक दो तीन चार पांच, अब इसको दिखाना है तो एक रास्ता। सबको टोटल कर दो, 4 + 3 + 2 + 1, 10 रास्ते। सो हायर एक्सचेंज एनर्जी, और जिसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब ये मान के चलिए कि ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, जिससे क्या होता है एनर्जी निकलती रहती है, और एनर्जी निकलती रहती है तो इसका असर होता है उसकी स्टेबिलिटी पर, वो ज़्यादा स्टेबल होता चला जाता है। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो D5 वाला है वो D4 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन करते हैं। बाकी जो वो केसेस थे जिनका आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिलहाल अवभव कॉन्फिगरेशन का वो एक मान के चलिए लिमिटेशन है, उसके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।